नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितिया व्रत इस बार 25 सितंबर को मनाया जा रहा है और ये व्रत यूपी और बिहार में काफी प्रचलन है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है और इस व्रत को निराहार किया जाता है, यानी बिना अन्न और जल के। ये व्रत सब व्रतों में से बहुत ज्यादा कठिन व्रत है। तो जितिया व्रत के दिन आप इन चीजों का दान करेंगे तो संतान को मिलेगा सुरक्षा कवच। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसका आप दान करेंगे जिससे आपकी संतान की लंबी आयु, तरक्की और उन्नति के मार्ग बनेंगे? जितिया व्रत संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत माए करती हैं और इस दिन अगर आप कुछ वस्तुओं का दान करते हैं तो कहा जाता है कि आपके संतान के जीवन में जितने भी दुख हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिलता है। जितिया व्रत को हम जितिया व्रत और जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस माताओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन माताएं संतान के लिए पूजा पाठ करती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं ताकि संतान उनकी खुशहाल रहे और उनको हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हो, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए। ये व्रत वो दंपत्ति भी करते हैं जिनके संतान नहीं है। इस व्रत को करने से संतान जिनको नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में चील, शियार और जिमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार अगर इस दिन आप उन चीजों का दान करते हैं तो आपके संतान के जीवन से दुख दर्द कोसों दूर चले जाते हैं। तो वो चीजें कौन सी है आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। जितिया तिथि का शुभ मुहूर्त। शुभ तिथि क्या है? पंचांग के अनुसार अगर कहा जाए तो इस साल जितिया व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। इस साल अष्टमी तिथि जो पड़ रही है वो 24 सितंबर को 12:38 से शुरू हो जाएगी और ये तिथि 25 सितंबर को दिन बुधवार को 12:10 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण जितिया का व्रत यानी जीवित पुत्रिका का व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा और उसके अगले सुबह यानी कि 26 सितंबर को इस व्रत का पारण होगा और इस व्रत का जो नहाय खाए होगा वो 24 सितंबर को होगा। व्रत को जो सहना होगा यानी व्रत करना होगा वो 25 सितंबर को और व्रत का पारण 26 सितंबर को होगा। व्रत का पारण 4:30 से लेकर के 5:30 तक शुभ मुहूर्त होगा, इसी में ही आपको व्रत का पारण करना है। जितिया व्रत के दिन किन चीजों का करें दान जिससे आपकी संतान के जीवन में जो भी बाधाएं होंगी, कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको चावल का दान करना चाहिए। चावल यानी अक्षत। अक्षत जो होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए गरीबों और जरूरतमंदों को आपको चावल का दान जरूर करें। ऐसा करने से संतान के जीवन में धन वैभव में कोई कमी नहीं होगी। तो इस दिन आपको चावल का दान अवश्य करना चाहिए। खिलौनों का दान। जितिया व्रत के दिन अगर आप संतान के नाम से कुछ खिलौने खरीद करके गरीब बच्चों को दान करते हैं तो कहा जाता है कि संतान के जीवन में दुगना पुण्य प्राप्त होता है और संतान के जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। तो कोशिश करें कि उस दिन थोड़े से खिलौने आप खरीद करके अगर गरीब बच्चों को दान करते हैं तो संतान के जीवन में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। अगला दान, आपको मिठाइयों का दान करना चाहिए। इस दिन अगर आप मिठाइयों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप गाय के दूध से बनी मिठाइयां दान करते हैं, घर में आप खुद बना करके मिठाइयों का अगर दान करते हैं तो आपके संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इसके करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा पूर्व जन्म में अगर कोई काल सर्प दोष है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। फलों का दान। जितिया व्रत के दिन मौसमी फलों का दान अवश्य करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घर में अगर आप फलों का दान करते हैं तो खुशहाली बनी रहेगी और समाज में आपके संतान का मान सम्मान भी बढ़ेगा।
तो इस दिन फलों का दान अवश्य करें। गौ का दान करें। जितिया व्रत के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गौ का दान करना बहुत ही शुभ सिद्ध माना गया है। जितिया व्रत के दिन संतान के नाम से अगर आप गौ दान करती हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके संतान को प्राप्त होता है और संतान का जो भाग होता है वो चमक उठता है और उसका जीवन बहुत ही आसानी से सरलता के साथ आगे बढ़ता है और उसके जो भी मार्ग होते हैं वो प्रशस्त होते हैं। तो इस दिन आपको गौ का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये थे कुछ दान। अगर आप जितिया व्रत के दिन यानी जीवित पुत्र का व्रत के दिन अगर इन चीजों का दान करते हैं तो संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और संतान की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।